हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिक्टर अली, मेरा नाम अली। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। क्रिकेट से रिलेटेड एक सजेशन है, वीडियो का टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वंस इन अ ट्रिलियन मोमेंट्स इन अ क्रिकेट हिस्ट्री। क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा हज़ारों में से लाखों में से एक बार ऐसी चीज़ होती है। सो कुछ रेयर मोमेंट्स हैं क्रिकेट के, लेट्स वॉच आउट। अगर किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में ऐसा। आई एम अ ह्यूज क्रिकेट फैन, तो इस वीडियो को बगैर देखे मैं रह नहीं सकता था। लेट्स वॉच आउट। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्रिकेटर जो पहले जादूगर भी था और मैच के दौरान उसने दिखाया जादू, क्या आप मानेंगे? ऐसे ही वंस इन अ लाइफटाइम वाले मोमेंट्स आप देखिए इस वीडियो में। आप सब शायद ये देखकर सोच रहे होंगे कि अंग्रेज खुले मैदान में धूप क्यों सेक रहे हैं। वेल, ये धूप नहीं सेक रहे बल्कि मैदान में हुआ है बीस का अटैक और उससे ही बचने के लिए ग्राउंड में लेटे हुए हैं। वेल, आप सभी देख सकते हैं कि अंपायर से लेकर क्रिकेटर सभी लोग लेटे हुए हैं और अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे पहले से पता था, बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, विराट कोहली वो नाम है क्रिकेट टीम में जो जाने जाते हैं अपने एग्रेसिव अंदाज में, और उन्होंने डायरेक्ट हिट मारकर मेरा चलता किया। वेल, इसमें मैं बैटर की गलती कहना चाहूंगा, क्योंकि जब विराट कोहली सामने है तो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैदान के बीचों बीच मिलिए एक जादूगर से, वेल आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। ऐसा तब हुआ जब फील्डर ने एक कैच पकड़ लिया और बॉलर ने भी अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसको छड़ी में बदल दिया और इस तरह की मैजिक ट्रिक दिखाकर सबको हैरान कर दिया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये ट्रिक। विराट कोहली का आप एक ऐसा शॉट देखिए जो जाकर सीधा लगा स्पाइडर कैम। वेल, हालांकि विराट ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि बॉल सीधा जाकर स्पाइडर कैम पे लग जाएगी, लेकिन वहां से टकराकर वो सीधा बाउंड्री पार कर गई। तो अब अंपायर ही बताएंगे कि ये चौका था या फिर इसे डेड बॉल कहा जाएगा। वेल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये देखिए, एक स्पिनर बना जालिम बाउंसर। बैट्समैन ने यहाँ पर हेलमेट नहीं पहना हुआ है क्योंकि स्पिनर से क्या ही खतरा, लेकिन स्पिन कर रहे बॉलर बॉल ऐसी डालते हैं जो सीधा बाउंसर हो जाती है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट मैच के लम्हे में आप एक ऐसा ब्रेक देख लीजिए जो हुआ है एक कबूतर की वजह से। जी हाँ, सही सुना। पहले तो बैट्समैन से लेकर सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर हो क्या रहा है, पर जब देखा कि फील्डर तो कबूतर के साथ खेल रहा है फिर तो सब हंसने लगे। वेल, इस क्लिप में कमाल की फील्डिंग का नजारा दिखा रहे हैं दो प्लेयर्स, लेकिन आप ही बताइए क्या ये सिक्स है या फिर नहीं। वेल, ये सिक्स ही है, आउट नहीं। हालांकि दोनों ने मिलकर कैच को पकड़ लिया, लेकिन खुद ही कैच करने वाले प्लेयर ने सच्चाई के साथ बता दिया कि बाउंड्री लाइन से उसका पैर टकरा गया था, जिसकी वजह से वो सिक्स है आउट नहीं। दो फील्डर्स की कॉमेडी ही आप देख लीजिए। गलती से अगर बॉल हाथ में आ जाती तो भाई लेने के देने पड़ जाते। एक समय इन दोनों के साथ ऐसा आया कि ये कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये भागे किस तरफ, इधर भागे या फिर उधर भागे। लेकिन चलो, बॉल दूर थी इसलिए ये अपनी अपनी जगह पहुंच गए, वरना प्रॉब्लम हो जाती। भाई दुनिया कुछ भी कहे या फिर इन्हें कितना भी रोस्ट करे, लेकिन पाकिस्तान अपनी तेज बॉलिंग के लिए जाना जाता है। स्पिनर की 134 किलोमीटर पर आवर के दौरान जब शाहिद अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, कि उन्होंने एक स्पिन बॉल डाली जिसकी स्पीड थी 134 km/h। या भाई, बैट्समैन तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। What a catch! जी हाँ, अगर आपने इस मैच को लाइव देखा हो, चाहे आप स्टेडियम में हो चाहे आप अपने घर की कुर्सी में हो, आप इस कैच को देखकर उठ जरूर जाएंगे, क्योंकि एक तो ये इतना ऊंचा कैच और फिर इसके बाद इसके लिए कमाल डाइव मारकर दो लोगों ने पकड़ा। ऐसे बहुत सारे कैचेस और भी थे, एंड भी हो गई। ओके, इट वाज अ शॉर्ट वीडियो और अच्छे मोमेंट्स थे, बट आई गेस मैंने काफ़ी सारे मोमेंट्स तो देखे हुए थे। क्रिकेट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं, बट ये मेरे एक रेगुलर व्यूअर थे जिन्होंने मुझे ये लिंक दिया था, और ये लिंक मुझे उन्होंने फेसबुक का दिया था, फेसबुक का वीडियो था ये। सो उनको यही लगा होगा कि मैं क्रिकेट फ़ैन हूँ, मुझे ये वीडियो अच्छा लगेगा। यस, ये भी अच्छा भी लगा, बट इसमें एक दो मोमेंट्स ही थे। तब्रेज़ शम्सी का वो जो मैजिक मोमेंट था वो मैंने पहले नहीं देखा था, एंड एक दो और मोमेंट्स थे, बट इस तरह की वीडियोस देखी हुई हैं तो ये मोमेंट्स भी देखे हैं। और मेरे ख्याल में कुछ और भी इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे मोमेंट्स हो सकते थे जो कि मिसिंग हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऐसी और भी वीडियोस में सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस देखते देखते मैं थकता भी नहीं हूँ और मज़ा भी आता है बहुत। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप कोई एक रेयर क्रिकेट फ़ैन मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल पर आया है तो वो मुझे ऐसी बहुत सारी वीडियोस ढूंढ के दे, मैं ज़रूर रिएक्ट करूँगा उनके ऊपर। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।